सुधांशु भैया थोड़ा सा हाथ कीजिए। 6,83,920 छात्र एवं 6,41,829 छात्राएं सम्मिलित हैं। सभी संकायों में अलग अलग पासिंग परसेंटेज इस प्रकार है। कला संकाय में कुल पासिंग परसेंटेज 79.53% है, जिसमें छात्राओं का पासिंग परसेंटेज 81.28 और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 76.66% है। वाणिज्य संकाय में छात्राओं का उत्कृष्टता का प्रतिशत 93.99 और छात्रों के उत्कृष्टता का प्रतिशत 88.52 है और कुल उत्कृष्टता का प्रतिशत 90.35 है। विज्ञान संकाय में छात्राओं के उत्कृष्टता का प्रतिशत 83.7 और छात्रों के उत्कृष्टता का प्रतिशत 77.89 है और कुल प्रतिशत 79.81। सभी संकायों को मिलाकर छात्राओं की उत्तीर्णता का प्रतिशत 82.39 है और छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत 77.04 है और कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत इस वर्ष सभी संकायों और छात्र छात्राओं के डिग्री सत्र को मिलाकर 80.15% विद्यार्थियों ने इस वर्ष उत्तीर्णता हासिल की है। अलग अलग संकायों में कला संकाय में पूरे राज्य में वीएम इंटर कॉलेज गोपालगंज के छात्र संगम राज ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनको 483 नंबर प्राप्त हुई है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर सुश्री श्रेया कुमारी कटिहार जिले की हैं, जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर मधेपुरा जिले की रितिका रत्ना आई हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए। इसके अलावा वाणिज्य संकाय में पूरे राज्य में अंकित कुमार गुप्ता, जो बीडी कॉलेज पटना के छात्र हैं, उन्हें 473 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर विनीत सिन्हा नवादा जिले के हैं, जिन्हें 472 अंक प्राप्त हुए हैं और उनके साथ पीयूष कुमार भी हैं, उन्हें भी संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। और तृतीय स्थान पर सुश्री मुस्कान सिंह एवं सुश्री अंजलि कुमारी को 470 अंकों के साथ राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में पूरे राज्य में सौरभ कुमार एवं अर्जुन कुमार, इन दोनों ने 472 अंकों के साथ पूरे राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और इसके पश्चात दूसरे स्थान पर राज रंजन मोतिहारी जिले के हैं, जिन्हें 471 अंक प्राप्त हुए हैं और तीसरे स्थान पर सुश्री सेजल कुमारी, जो गया कॉलेज गया के छात्र हैं, जिन्हें 470 अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी संकायों में अलग अलग रूप से छात्रों छात्राओं ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वर्ष भी गत 3 वर्षों की भांति चौथे वर्ष लगातार बिहार बोर्ड ने पूरे देश में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया है और कई नए कीर्तिमान इस वर्ष स्थापित किए।